समस्या का समाधान किस प्रकार करूंगा मैं अभी देखिएगा। आपके सामने एक वशीकरण का मैं तरीका बताऊंगा और सिखाऊंगा। जिस भाई को या जिस बहन को समस्या अगर किसी को वश में करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे प्रचंड तरीका मैं अभी यहाँ पर आपको सिखाने जा रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि मैं किसी के घर आया हूँ और उसके घर में कुछ समस्या है। उसका जो पति है वो बहुत कई सालों से उससे मिला नहीं है, उससे दूर है, तो मैं उसको भी बताऊंगा और आपको भी बताऊंगा। तो सीख लीजिएगा ये तरीका, और ये जो तरीका होगा वो जन्म जन्म के लिए वशीकरण करने का तरीका होगा। सबसे पहले आप नींबू ले लीजिए, और मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, फिर इनको ये करके दिखाऊंगा। नींबू ले लीजिए आप, एक नींबू लीजिए सिर्फ, और सुबह एकदम सुबह, जैसे अभी ये सुबह हो रही है इस समय, सुबह उठते ही जब धूप निकल जाए, आपको लगने लगे कि ये धूप की आंच आपको लग रही है, इस समय आपको करना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं करिएगा और बहुत पहले नहीं करिएगा इस टोटके को, और बैठ जाइएगा और नींबू को अपने ऊपर से किसी बूढ़ी, जो एजेड महिला हो, बूढ़ी और एजेड महिला हो, चाहे स्त्री का वशीकरण करना हो या पुरुष का, उस बूढ़ी महिला से बोलिएगा कि वो आपके ऊपर से नींबू को 91 मरतबे उतार देगा, यानी 9 और 1 91 मरतबे, 91 बार आपको नींबू अपने ऊपर से उतरवाना है। और उतरवाने के बाद में आप उसी जगह पर बैठ के कुछ मीठा खाएंगे, और नींबू उतरवाने के बाद में उसके ऊपर आप ये 3 शब्द लिखेंगे जो आपको अभी मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाऊँगा। आपको यही 3 शब्द लिखने हैं, और चौराहे के ऊपर जाइए और बैठ जाइए, और वही महिला से बोलिए कि आपके ऊपर से इस नींबू को फिर से उतारे 3 मरतबे। उतारने के बाद में आपके सर पर ही रखकर छुरी चला देगा और नींबू कट जाएगा। कट जाने के बाद में नींबू को उसी जगह फेंक के अपने घर चले आइए। 3 शब्दों के बाद में एक बात का ध्यान रखिएगा कि पीछे आपको उसका नाम लिखना है और अपना नाम लिखना है, ध्यान से समझ लीजिए। अब अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं, इस टोटके को करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल घरेलू तंत्र विद्या को आपको सब्सक्राइब करना होगा, और आज्ञा लेने के लिए कमेंट में अपना नाम लिखना होगा। हम आपको आज्ञा ज़रूर देंगे, और मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा।